चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं लोकसभा बिजनौर पर, जिला मुजफ्फरनगर, पुरकाजी। तो आइए कुछ भोजन माताओं से बात करते हैं कि क्या दिक्कतें उनको रही है इस सरकार में और उनकी मुख्य मांगे क्या है, आपने किस तरह की मांगे उठाई थी सरकार? हम तो दिल्ली गए थे जंतर मंतर पे, वहाँ उठाई थी क्योंकि हमारे 18,000 सैलरी करो या परमानेंट करो, ये मुद्दा उठाया था। हम तो वहाँ धरने पर 3 दिन तक के। तो क्या सरकार ने क्या आश्वासन दिया? उसने ये लिखा था कि अभी इसके अंदर अंदर जनवरी में हो जाएगा, लेकिन जनवरी तक के तो कोई नहीं है। जनवरी में ये पिछली जनवरी, हाँ जो जनवरी गई थी वही 2019 में, 2019 में गए थे। सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं आपके, तो थोड़ा सा आप बताएं इसमें कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ आपका? जी मोदी आई दिक्कत, हम सरकारी स्कूल में खाना बनाते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं, सबसे तगड़ी दिक्कत ही है। अभी टाइम से मिलते हैं, अभी टाइम से नहीं मिलते हैं, अप्रैल में कह रहे हैं अप्रैल में पढ़ाएंगे, देखो पढ़ाएंगे। तो क्या कह रही है सरकार, सरकार ने क्या आश्वासन दिया? तो क्या क्या सरकार को लगता है इन 1,000 रुपए में घर चल सकता है या बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? 1,000 रुपए तो यहाँ चलो, यहाँ से पुरका चलो, ये भी हाथ में साथ कुछ अपने बच्चों के लिए ना कुछ खाने पीने का भी दिया। महंगाई इतनी कर दी कि हद से ज्यादा कर दी, रोड बेच का इतना किराया बढ़ा दिया। परेशानी कैसी कैसी है? दिन तो परेशानी आती है, जब भी पैसा बढ़ने को होगा, जब भी काम बताते हैं यो तो हमें काम करना, नहीं तो हम बता देंगे, मास्टर हटाने की धमकी देते हैं, हटाने की धमकी देते हैं। भाई किसी के दिहाड़ी बन जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ कर सकते, भाई किसी घरों में काम करो वो भी कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी जैसा चुनावी माहौल है, आपका वोट सरकार को चाहिए, तो ये सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं, दोबारा सभी जो भी पार्टी आई है सब वोट मांग रही है अपने लिए, तो आप क्या सोचकर, सही बात है, तो क्या मुद्दे हैं आपके जिनको देखकर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो ये आज ही वोट तो हमें देनी देनी सरकार की है, क्योंकि उसके दोस्त मरा, अगर मरे लिया आज तो लगे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमारे बच्चे दो रोटी सबसे खा लें। महिलाओं की समस्या ये है कि जब हम गांव में मीटिंग करते हैं कि सभी की जो पेंशन आ रही है वो रुक चुकी है, और हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, हम खुद भी हम काम कर रहे हैं लेकिन हम इसी से परेशान है कि महिलाओं की पेंशन रुक चुकी है। महिलाओं के सामने तो सबसे बड़ा होता है रोजगार का, हमारी जो महिलाएं हैं बेरोजगार हैं, और खास करके इनके बच्चे पढ़े लिखे भी, इनके पास डिग्री भी है लेकिन रोजगार किसी के पास नहीं, बच्चे शिक्षित ना, ऐसा नहीं है बच्चे शिक्षित नहीं, ये कैसे भी करके मेहनत करके उन बच्चों को पढ़ा रहे लेकिन इनके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल देंगे, तो इस पिछली सरकार ने क्या किया है कुछ ऐसा? नहीं, वही कह सकते हैं कि इस इससे झूठा प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, इसने इतने बारे केस एक भी पूरा नहीं हुआ, 5 साल गुजार दिए और अभी भी कह रहा कि 5 साल में काम नहीं होते पूरे, 5 साल पहले जो सरकार अच्छी थी औरतों को बेचारे को मशीन भी सिलवाई सिखाया, मशीन भी दिलवाया, कुछ ना कुछ देता, लेकिन इसने तो कुछ दिया ही नहीं है। अम्मा जी मेरा आपसे सवाल है, आप कितने खुश हो इस सरकार से जो पिछली सरकार गई? बहुत दुखी हम तो इस तरह। कुछ काम हुआ आपका? कुछ ही नहीं हुआ, घर में अब देख लो फसल पड़ी है, फसल में देख लो बरसा पुरका जी और चुभो मेरा घर। पिछले जो 5 साल गए हैं, महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? पिछले आप पूरे इतिहास उठा कर देख लो और इन 5 साल का इतिहास उठा कर देख लो, सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें मरी हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों का बलात्कार इस 5 सालों में हुआ है, और सबसे ज्यादा लड़कियां इस 5 सालों में अनसेफ हैं। पुरकाजी में छोटी सी लड़की थी बैठी थी जिसका रेप हुआ था, कुछ भी नहीं करा अभी, इसने ये कहा था कि 3 दिनों में फांसी होगी, इस पर कहीं गए 5 साल में पकड़े तक नहीं गए। कई दंगे हुए हैं जैसे सहारनपुर में सबीरपुर दंगा हुआ है, और आपको क्या लगता है दंगों से कितना प्रभावित होती है महिलाएं, कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत ज्यादा आवाजी दिक्कत महिलाओं को, तो सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत है, बच्चे करवाने में इतना माहिर, कई लड़की मर रही, कई लड़की का रेप हो रहा उसका पता नहीं, लेकिन अगर कहीं फ्रिज के अंदर कहीं मांस रखा हो सब पता लग गाय का मांस,
वहाँ दंगा कर वहाँ उसे वो कहते हैं कि उसने वहाँ मास्क काट दिया। क्या सरकार ने इस तरह की पॉलिसी दी है कि आपकी पढ़ाई के लिए कुछ मिला हो या फिर लड़कियों की शादियों के लिए कुछ किया हो? 12 में मैंने एंटर की थी तब मुझे कन्या विद्या सर्टिफिकेट मिला था 25,000 रुपये मिली थी साइकिल के लिए। इस योजना मुझे किसी लड़की ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे कुछ पैसे कुछ कोई है ही नहीं कुछ मिला ही नहीं कुछ और पैसे के कारण लड़की ने पढ़ाई छोड़ चुकी। सरकार ने नोटबंदी जैसे किया था उसमें कितनी दिक्कत है नोटबंदी में भी आम जनता को प्रॉब्लम हुई जो उसके खुद के देव तो उसमें दोनों पहले करेक्शन करवाकर पहले सारा कुछ हल कर देता उसमें आम जनता लाइन में लगा दी। जो हमने मजदूरी करी उन्होंने दिए हम अब हम काम ही ना कहाँ चलाएंगे अगर नहीं तुम्हारे पता तो ले लेंगे सर ये बैंक वाले हमारे पता लेने के सुबह से 7 बजे तक लाइन में लगी रही 5 बजे लो जब 1500 रुपए मुझे मिले बीमारी सीमारी हो जा मेहमान आ जा जब खर्च कर ले वे भी उजगर हो गए पति को वे भी मिल गए उनकी भी बहुत से दारू पी गए। मोदी की तरफ से कार्ड फाट रखे थे हमने फ्री अस्पताल में अब फ्री सेवा 5 लाख तक की। हम 3 बार तो मुकेश जैन में गए 3 बार बड़े अस्पताल में गए सरकारी में वहाँ हमारा कार्ड नहीं पकड़ा किसने ने कहा मोदी ने तो झंडा दे रखा। वही मैं पूछ रहा हूँ ना अगर सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही है तो क्या करोगे? चुनाव है चुनाव में क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हम तो यही आप कर पाएंगे मीटिंग और घर का घर तय की राह लगा पैसे बढ़ाओ नहीं तो सरकार सरकार बदल दो